दोस्तों ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये आज के टाइम में हर किसी के घर में मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ दिक्कत क्या होती है, ये कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाता है और जिसके बाद हमें नया लेना पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मॉस्किटो रैकेट होता है अगर ख़राब हो जाए तो किस तरीके से आप खुद से चेक कर सकते हो और रिपेयर कर सकते हो। तो मैंने भी ये मॉस्किटो रैकेट लिया था और जो ख़राब हो गया था सही से चार्ज नहीं कर रहा था, तो इसे मैंने खोल लिया। इसको खोलने के लिए आपको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बस आपके पास एक छोटा सा पेचकस होना चाहिए जिसको टेस्टर भी कहते हैं, टेस्टर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप इसको खोलेंगे तीन चार नट होते हैं, तो यहाँ पर मैंने देखा कि क्या प्रॉब्लम थी। जो चार्जिंग का सॉकेट होता है जहाँ से ये चार्ज होता है उसकी जो केबल थी वो हट रखी थी, तो जिसके कारण ये चार्ज सही से ले नहीं पा रहा था और ये बिल्कुल ऐसा हमें लग रहा था कि ख़राब हो गया, अब नया हमें लेना होगा। तो जब हमने इसको खोल के देखा तो इस तरीके से हमें यहाँ पे दिखा कि इसकी जो केबल यहाँ से कनेक्ट थी चार्जिंग के लिए वो ख़राब हो रखी है, कट रखी है। तो इसमें क्या होता है कि एक केबल आपको ये जो ब्लैक वाला देख रहे हैं पावर प्लस, ये इसकी छोटी सी बैटरी है और ये जो ऊपर का साइड है ये यहाँ से करंट पास होता है और जो मच्छर होते हैं इसी के थ्रू करंट जनरेट होता है और जब मच्छर इससे चिपकते हैं तो वो मर जाते हैं। तो इसमें क्या ख़राबी थी, जो केबल टूट रखी थी तो केबल यहाँ पे मैंने फिर से जोड़ने के लिए ट्राई किया। यहाँ पे मेरे पास कोई भी सोल्डिंग आयरन नहीं है ताकि मैं इसको पेस्ट कर सकूँ, तो ऐसे ही मैंने बस इसको खोल के और जो केबल था उसको फिर से यहाँ पर अटैच कर दिया, लेकिन ये सही से अटैच नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक, मेरे पास एक्स्ट्रा केबल पड़ी हुई थी, तार पतली सी तार थी, तो उसको मैंने यहाँ से कट कर दिया और फिर से कट करने के बाद इसमें थोड़ा सा और ऐड करके इसकी जो केबलिंग थी उसको सही से कर दिया। क्या होता है कि जब भी आप इस रैकेट को यूज़ करते हैं मच्छर मारने के लिए, जब आप रैकेट यूज़ करेंगे तो इसकी जो केबलिंग होती है वो हट जाती है, कभी इसका बैटरी का कनेक्शन हट जाता है, छोटे छोटे जो तार होते हैं वो आपको कहीं कटे हुए मिलेंगे। तो इसको आपको एक बार खोल लेना है, खोलने के बाद आप देखेंगे कि जो भी प्रॉब्लम है, अगर बैटरी में कम चांस होता है कि बैटरी ख़राब हो, मेनली क्या होता है कि इसकी जो तारें होती हैं वो कट जाती हैं, टूट जाती हैं, तो उसके कारण से ये काम करना बंद हो जाता है। कभी कभी कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, तो उसको भी आप दुकान में जाके रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक बार खोल के देख लीजिए कहीं तो ऐसा तो नहीं कोई केबल हट गई हो, क्योंकि जब इसको फोर्सफुली आप मच्छर मारने के लिए यूज़ करेंगे तो हो सकता है कहीं दीवार में लग के या इस तरीके से लग के इसकी जो केबल है तार है वो टूट गई हो। तो यहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जो रैकेट था उसकी तार टूट रखी थी, तो इसको मैंने खोल के फिर से तार ज्वाइंट कर लिया जहाँ से ये चार्ज लेता है, और अच्छे तरीके से सारे केबल को आपको जैसा केबल यहाँ पे था अच्छे तरीके से बिठा लेना है। और देखिए यहाँ पे मात्र चार पांच नटें लगी हुई हैं, स्क्रू लगा हुआ है जिसको मैं फिर से टाइट कर दूँगा। तो अभी ये तो चार्ज नहीं ले रहा था, चार्ज क्यों नहीं ले रहा था, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया इसका जो केबल था वो ही हट रखा था जिसके कारण से ये चार्ज नहीं ले रहा था। तो यहाँ पे देखिए कोई ज़्यादा यहाँ पे रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है, बस छोटे छोटे नट हैं उनको आपको खोल लेना है, खोलने के बाद आपको दिख जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है केबल हट गई हो या तो फिर इसका जो कैपेसिटर ये सब वो ख़राब होगा, तो उसको आप दुकान में जाकर रिपेयर करवा लीजिए, लेकिन आप पहले से एक बार इसको ओपन करके देख सकते हैं। तो ये देखिए फिट कर लिया है मैंने, सारे नटें लगा लिए हैं, अब इसको देखेंगे कि ये चार्ज होने स्टार्ट हुआ या नहीं। इसको लगा लेते हैं यहाँ पे सॉकेट में, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लाइट जल चुकी है, इट मीन्स ये चार्ज हो रहा है और इसको कुछ देर चार्ज करने के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इसको परचेस करते हैं और ये ख़राब हो जाता है, चार्ज नहीं लेता है, तो हम इसको सोचते हैं कि ख़राब हो गया और इसको फेंक देते हैं और फिर से 300-400 रुपये का परचेस कर लेते हैं, लेकिन आप इस तरीके से अपने 300-400 रुपये बचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक मच्छर है, इसको मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ और ये मच्छर मर रहा है, ये काम कर रहा है, इससे मच्छर को शॉर्ट लग रहा है, तो ये फिर से सही हो गया और 300-400 रुपये यहाँ पे बच गए। छोटा सा बस यहाँ पे हमने दिमाग लगाया और इस तरीके से यहाँ पे बच गए। तो इस तरीके से भी आप अपने घर में ही इसको जो मॉस्किटो रैकेट होता है उसको रिपेयर कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्पार्क कर रहा है, अच्छी तरीके से ये काम हो रहा है। और ये ख़राब क्यों हुआ था मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो छोटू है वो इस तरीके से इसके साथ बैडमिंटन खेलता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।